फटाफट। हम जानते थे सम्राट सिंह राठौर कि तुम ऐसी हरकत जरूर करोगे। कहाँ भाग रहे हो? किससे भाग रहे हो तुम? हमें जाने दो। वो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए हमको जाने दो। अरे माँ जी, क्या कर रही हैं आप? ये ऐसे कैसे जाने दें हम आपको? माँ जी, आप दोनों इतने शानो शौकत से रहने वाले लोग कहीं पे भी घुसकर राज करने लगते हैं और ऐसे दुबक कर चले जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? बताइए, गलत बात है माँ जी। हम कैसे जाने दें आप लोगों को? ना ना ना, हम नहीं जाने देंगे। देखो ऐसा है अम्मी, आप यही चाहती थी ना कि मैं हमेशा के लिए चले जाऊं, तानी को छोड़ के चले जाऊं, आपका घर छोड़ के चले जाऊं। मैं वही कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं छोड़ के, और अनजाने में साला पलट के वापस नहीं आऊंगा, ये पक्का प्रॉमिस है। पलट कर तो तुम्हें आना ही होगा सम्राट, और तुम आओगे, क्योंकि सारे बचकर निकलने वाले और भाग कर जाने वाले रास्तों को तो तुमने खुद ने रोक दिया। कहाँ भागोगे तुम? फालतू बात मत करिए आप, ओके? मैं जा रहा हूँ साला, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। पुलिस बस क्या? याद रखो, अगर भागे तो इस बार हम नहीं, पुलिस ढूंढ कर लाएगी तुम्हें। भागो। पुलिस कहां से आ गई बीच में? शायद तुम भूल गए, लेकिन हमें याद भी और पता भी। सम्राट सिंह राठौर, तुम्हारे उस खेल में तुम्हारे एक भाड़े का टट्टू मारा गया था। जिसे किसी और ने नहीं, खुद तुमने ठिकाने लगाया था। मैंने नहीं मारा तुझे। आपको कैसे पता है कि मैंने ठिकाना लगाया था लाश को? सब पता है सम्राट। तेरे इस चूजे को कैसे मारा मैंने एक ही गोली में, पूछा था, और फिर लाश को दफनाना पड़ा तुझे। बुरे कामों का नतीजा बुरा होता है सम्राट। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, पता तो होगा ना तुम्हें। ये वीडियो पहुंचने की देर है उन तक। पाताल में भी तुम घूम रहे होगे ना, तब भी तुम्हें ढूंढ कर निकाल लेंगे। तय करो तुम क्या करना चाहते हो। क्या करूं मैं? क्या चाहते हो? आए अपने मर्जी से थे, तुम जाओगे हमारी मर्जी से, तुम यही चाहते हैं। उर्मी, आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम। सम्राट का भांडा फोड़ देते, वंस एंड फॉर ऑल, ये किस्सा ही खत्म। ईशान, सोचा तो हमने भी यही था, लेकिन ईशान फिर हमने सोचा कि हम इस आदमी को सजा देते रहेंगे और ये भुगतता रहेगा, लेकिन खुद से ना तो ये सुधरेगा और ना ही लोगों को हार्म करना बंद करेगा। इतना कुछ हो गया सम्राट के साथ, 5 साल जेल की सजा काट कर आया, लेकिन फिर भी दुगनी एनर्जी के साथ डिस्ट्रक्शन करने में लगा हुआ है। इसको हम घर से जलील करके निकाल भी देंगे, क्या फायदा हो जाएगा हमें? सम्राट वापस आएगा और हमारे साथ ना सही, लेकिन हमारी जैसी या तानी जैसी दूसरी लड़कियों को फिर से शिकार बनाएगा। हम इस आदमी के साथ कुछ भी कर ले, इसे कोई भी सजा दे दे, लेकिन इसकी फितरत नहीं बदलेगी। वो कहावत सुनिए ना तुमने ईशान, सांप लाठी को देख के भागता जरूर है, लेकिन मौका देखकर उसी को काटता है वो। ईशान, बात सम्राट के अंदर की जहर की है, सवाल ये है कि उस जहर को खत्म कैसे करें। एक्चुअली उर्मी, तुम सही कह रही, इसलिए जरूरी है ईशान के सम्राट को अपनी गलतियों का एहसास हो। उसे रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि वो गलत है और उसे सुधरना चाहिए, तभी उसके अंदर का ये जहर खत्म होगा और वो लोगों को डसना बंद करेगा। उर्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तुम्हारी सोच पे बहुत गर्व होता है। इतना कुछ हुआ तुम्हारे साथ, कितना कुछ झेला तुमने, फिर भी तुम्हारे अंदर बदले की भावना नहीं। तुम जैसा कह रही हो वैसा करना ही ज्यादा अच्छा है। आई एग्री विद यू। सम्राट को नहीं बल्कि उसके अंदर के जहर को मारना ज्यादा जरूरी है। आई जस्ट होप ईशान कि सम्राट को अपनी गलतियों का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा और वो खुद अपनी गलतियों को कबूल करे और उसके अंदर का इंसान जागे। सम्राट नहीं आया अभी तक? आ रहा है माँ जी। अरे सम्राट, जल्दी से ईशान को ये जूस दे आओ, हम गैस बंद करना भूल गए। दिमाग खराब हो गया। मैं जूस देके घूमना के हाँ? रानी नहीं है ना सम्राट, तो ईशान के लिए ब्रेकफास्ट बनाना। चलो 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 पकड़ो पकड़ो, आ जाओ आ जाओ। व्हाट? अरे ये सब क्या है उर्मी? सम्राट ये अभी अभी क्या बोल के गई उर्मी? और तुम भाई को जूस देने के लिए क्यों जाओगे? दिमाग उसका खराब हो गया है क्या? तानी बहू, इतनी सी तो जान है और कितने काम है इसकी जान को है, और फिर रानी भी तो नहीं है घर में, जे दे आएगा जूस है तो क्या हुआ? सम्राट तुम यहाँ पर बैठो, तुम जूस देने के लिए नहीं जाओगे? ओके? अरे तानी बहू क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं ना सारे खुदाई एक तरफ, जोरू कभाई एक तरफ। हा? दे आएगा जूस, साला ही तो है। काहे को इतना परेशान हो रही हो तुम? हाँ ये सब आप क्या बोल रही है माँ जी? ये तो कह रहे हैं इतना सा तो काम है, एक जरा सी बात का तुम इतना बड़ा बवाल बना रही हो। हाँ माँ जी मैंने आपको बोल दिया ना। Don't create a scene तानी। और अगर तुम्हें सम्राट के जूस देने में कोई प्रॉब्लम है तो तुम खुद जाके अपने भाई को जूस दे आओ ना। हाँ हाँ सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा, तुम दे आओ अपने भाई को जूस। अरे रे सम्राट, तुम अभी तक गए नहीं? क्या कर रहे हो तुम, यहीं खड़े हो? तुमने ईशान को अभी तक जूस नहीं दिया। उर्मी दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैंने एक बार बोल दिया ना कि सम्राट भाई को जूस देने के लिए नहीं जाएगा, समझे तुम? सम्राट तुम जूस देने नहीं जाओगे? वो जाएगा, जरूर जाएगा। जाओ देखे हो सम्राट, तुम जूस देने के लिए नहीं जाओगे भाई तो मतलब नहीं जाओगे। बस जाऊंगा यार। जाता हूं ना, जाता हूं जूस। क्या क्या हर्ज है? तुम बैठो ना, बैठो बैठो, कोई हर्ज नहीं है, जूस ही तो है। कौन सा मैं जूस बन के जा रहा हूँ, मुझे पी जाएगा वो। Come, come, come in. Wow! क्या देख रहा हूँ मैं भाई? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अब सम्राट अब नहीं, मतलब जीजा जी ये मत बोलिए, ये जूस अब मेरे लिए प्लीज। हाँ पापी के लिए लाया सरकार, पी लीजिए। कहीं अब जहर वहर तो नहीं मिला के आए इस जूस में? कहीं अपने प्यारे साले साहब को मारने का इरादा? तुम इसे पी सकते हो ईशान, इसमें जहर नहीं है। रही है अपने साथ। वही कर रहे हैं सम्राट जो तुमने हमारे साथ किया। भूल गए तुम जब ईशान के हिस्से की कॉफी हमें तुम्हें देनी पड़ी, जब ईशान का नाश्ता छोड़कर हमें तुम्हारे लिए कचौड़ियां बनानी पड़ी। हमारा भी कॉफी पीने का बड़ा मूड हो रहा है, तलब सी हो रही है कॉफी पीने की, खतरनाक वाली। अभी मिले तो बात है। भैया आज आपके हाथ की बनी दाल कचौड़ी खाने का बड़ा मूड हो रहा है, बना देगी प्लीज? क्या पतला निकाल रही हैं आप? उर्मी नाम है हमारा। तुम्हारी तरह बदला लेने की भावना नहीं है हमने, सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं और एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने हमारे साथ क्या किया था, हमारे हालातों का, हमारी मजबूरी का किस तरह से फायदा उठाया था तुमने सम्राट, जिसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। She is absolutely right, सम्राट। अगर हम चाहें तो तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन और मजबूरियों पे खून के आंसू रुला सकते हैं सम्राट बाबू, लेकिन हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं सम्राट। ये बात अलग है सम्राट कि हमें तुम्हें तुम्हारे अंदाज में याद दिलाना पड़ रहा है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को सीधी बात गले नहीं उतरती सम्राट सिंह राठौर, और उन्हें उसी भाषा में समझाना पड़ता है जिस भाषा को वो जानते हैं, समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और तुम ईशान, सम्राट की तो मास्टरी है इस भाषा में। आप मास्टर सम्राट सिंह राठौर हैं इस भाषा में, तो करो एंजॉय तुम अपनी भाषा को और अपनी समझ को। तानी। जी मॉम, कहिए। तानी, कब तक मुझसे ऐसी ही नाराज रहोगी? हमेशा ऐसी ही रहूंगी मॉम, और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता, मेरी जैसी मर्जी होगी वैसे रहूंगी मैं। आप जाइए ना अपनी उर्मी बहू के पास। तानी, क्या कभी भी तुमने मुझे समझने की कोशिश की? तुम्हारी हर जिद में मैंने साथ दिया है तुम्हारे पापा के खिलाफ जाकर, तुम्हारे भाई के खिलाफ जाकर। अब अगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा ना। प्लीज मॉम, अपनी फॉल्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए, और वैसे भी ये बहलाने फुसलाने से कुछ नहीं होगा। मुझे मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने की जरूरत एक्चुअली नहीं है, और ना ही मैंने कुछ गलत किया है। तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने का हक है मेरा, फर्ज है मेरा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। मॉम स्टॉप इट प्लीज। और मुझे आपकी ये झूठे लाड प्यार की ना कोई जरूरत नहीं। मुझे समझ में आ चुका है कि आप किस टाइप की माँ हैं, और वैसे भी मुझे मेरा ख्याल रखने वाली मॉम मिल चुकी है। अब सम्राट की माँ ही मेरी सासू माँ भी है और माँ भी। मम्मी, आपने हमें बुलाया, कुछ काम था? हाँ उर्मी, आओ ना, बैठो। अपने लिए एक अच्छा सा सेट और कंगन पसंद करो। मम्मी, अभी इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। अरे 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 उर्मी बेटा, तुमने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, हमें इतना बड़ा अनमोल तोहफा देने जा रही हो तो बेटा हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि तुम्हें एक अच्छा सा रिटर्न गिफ्ट दें, बनता है कि नहीं? पापा। अरे आओ ना, बैठो ना, देख लो ना, एक अच्छा सा डिजाइन चूज कर लो। आ जाओ। जब कह रहे हो तो पसंद करो ना। बैठो। डैड, एक जोड़ी कंगन मैं भी लूंगी। हाँ हाँ प्लीज पसंद करो, हमारा तो हक है भाई। अंकल जी ये जो मेरी रिंग है ना, आप इसे पॉलिश करवा देंगे, तो बहुत डल हो गई है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ बेटा जी, मोटी ने अगर नकली अंगूठी दिखा दी तो अभी पोल खुल जाएगी। पे मैं करा दूंगा तुम्हारी ये पॉलिश। देखो ना, जेवर जेवर चूज करो। सम्राट ये करा देंगे ना पॉलिश, इनका काम ही होता है ये। हाँ बेबी यार तुम क्या, स्पेशली डैडी जी ने, सासू मम्मा जी ने बुलाया, उन्हें उर्मी के लिए स्पेशली बुलाया है, उनको करने दीजिए ना। मैं छोड़, मुझ पे छोड़ दो, मैं कराऊंगा तुम्हारी पॉलिश। ये देखो कितना बढ़िया, ये देखो है ना। इट्स ओके सम्राट, कोई बात नहीं, वो कर देंगे। हाँ हाँ भाऊ, हम करा देंगे ना तुम्हारा काम बाद में। हम कह रहे हैं ना, तुम चिंता मत करो, हम पॉलिश वॉलिश सब करा देंगे तुम्हारे। ओके ठीक है, दिखाओ जरा क्या। बिल्कुल ठीक है, क्या चमक, बिल्कुल ठीक, करा देंगे बाद में। उसकी बात है, कुछ तो गड़बड़ है इस रिंग में। यही मौका है इसकी असलियत जानने का। तानी, हमें तुम्हारी ये रिंग बहुत पसंद है। हम बिल्कुल ऐसा ही एक रिंग बनवा ले प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स उर्मी, विद प्लेजर। थैंक यू। सोनी जी, आप हमारी बहू के लिए भी डिट्टो सेम ऐसी एक अंगूठी बनवा दीजिए। जी बिल्कुल, जरा आप पैटर्न दिखाएंगे अंगूठी का। अरे मत दिखाओ यार, कॉपी हो जाएगी एकदम। नहीं बेकार में कॉपी क्यों करना है। सम्राट जाने दो ना, ये नहीं। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। सोने के बना दूं? ये आप कैसे सवाल कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सोने में बनाइए। ठीक है। हीरा असली करना है या इसके जैसा अमेरिकन डायमंड बिठाना है? ये आप क्या बोल रहे हैं, ये असली डायमंड ही है। सोनी जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप, 10 लाख की रिंग है ये, हम खुद लेकर आए थे दुबई से। देखिए सना साहब, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और ये मामूली सा साधारण अमेरिकन डायमंड है। ये 10 लाख तो बहुत दूर की बात रही, इसकी कीमत 10,000 भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है सना साहब। This is impossible. इसका मतलब कि उस समय तानी की ओरिजिनल रिंग गायब हो गई थी, जिसके बदले में ये रिंग मिली जो कि फेक है, राइट? हाँ पापा, मेरी रिंग तो खो गई थी, फिर सम्राट को मिली थी और उसी ने मुझे दी थी। तो तुम्हारा कहना है ये रिंग तुम्हें सम्राट ने दी जो कि नकली। तो फिर सम्राट को ही पता होगा कि गड़बड़ क्या हुई। सम्राट ये रिंग तो तुम्हें ही मिली थी ना, फिर तुम्हें ही पता होगा कि असली रिंग कहाँ है और ये नकली रिंग कहाँ से आई। बताओ ना सम्राट, बोलो, बताओ सम्राट। उस दिन हमने भी तुमसे पूछा था हमने भी सबके सामने कहा था कि हमने चारों तरफ घर में ढूंढा, लेकिन हमें रिंग कहीं नहीं मिली, लेकिन तुम्हें मिल गई। कैसे मिले तुम्हें रिंग?